और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के 35A मामले में सुनवाई टल गई है। जो सुनवाई आज होनी थी वो टल गई है। 3 जजों की बेंच में एक जज छुट्टी पर चले गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जो 35A का मामला था जम्मू कश्मीर में, उस पर सुनवाई होनी थी और वो टल गई है। अब ये सुनवाई 27 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि 3 जजों की बेंच थी जिसमें एक जज छुट्टी पर चला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, 35A मामले में आज सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, जो अब 27 अगस्त को ये सुनवाई होगी, अगली सुनवाई। आपको बता दें कि जो 3 जजों की बेंच बनाई गई थी उसमें एक जज छुट्टी पर चला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जो 35A मामले में सुनवाई होनी थी आज जम्मू कश्मीर में। आपको बता दें कि 35A के अंतर्गत जो बाहरी आदमी है वो जम्मू कश्मीर की जमीन पर घर नहीं बनवा सकता, इसको लेकर सुनवाई होनी थी आज, और आज वो टल गई है। 3 जजों की जो बेंच थी उसमें एक जज छुट्टी पर चला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 27 अगस्त को अगली सुनवाई होगी जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की बड़ी खबर, 35A मामले में सुनवाई टल गई है और अब ये सुनवाई 27 अगस्त को होगी। इंद्रसेन यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। इंद्रसेन, जो सुनवाई आज होनी थी वो टल गई है, एक जज छुट्टी पे चला गया है, क्या मायने हैं? देखिए शिखा, बता दूं कि जो सुनवाई चल रही थी अनुच्छेद 35A को लेकर, वो सुनवाई आज चल गई है और अगली सुनवाई जब अब होगी तो वो 27 अगस्त को बताया जा रहा है कि अगली सुनवाई दोबारा सुप्रीम कोर्ट में होगी। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में धारा 35A को हटाने की बात पर बवाल मचा हुआ है। कट्टरपंथों के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी ये बात पश नहीं रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया कि संविधान की धारा 35A को रद्द किए जाने पर जनविद्रोह की स्थिति पैदा होगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का जो माहौल है जम्मू कश्मीर इस टाइम में बना हुआ है। आज सुनवाई चल रही थी और फैसला आने की उम्मीद थी, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए थे शिखा, लेकिन सुनवाई आज टल गई। बताया ये जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उन्होंने भी आज सुनवाई टालने की अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही जो जजों की बेंच थी उसमें से एक जज सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं थे, इस वजह से आज सुनवाई टल गई है और इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। जी इंद्रसेन, ये जो विरोध किया जा रहा है क्या ये उसी का नतीजा है? निश्चित रूप से देखिए, जो विरोध किया जा रहा है उसका नतीजा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालय है, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। लेकिन जैसा कि बताया गया कि एक तो सुप्रीम कोर्ट में जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उन्होंने भी अपील की थी कि सुनवाई आज ना हो इस पूरे मामले की और सुनवाई को टाल दिया जाए, इसकी अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर सरकार ने। साथ ही जो जजों की बेंच थी जिनको फैसला देना था आज, उनमें से एक जज मौजूद नहीं थे, तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि सुनवाई बढ़ा दी गई है और 27 अगस्त को इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। अब जबकि बढ़ा दी गई है, उसके बाद वहां पे जो विरोध हो रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, उस वो थम सकता है क्या? देखिए शिखा, मैं बता दूं, जो विरोध है वो लगातार पिछले काफी टाइम से चल रहा है। अनुच्छेद 35A से जम्मू कश्मीर सरकार और वहां की विधानसभा के स्थायी निवास की परिभाषा तय करने का अधिकार मिलता है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार को अधिकार है कि वो आजादी के वक्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू कश्मीर में किसी तरह से सहूलियत दे अथवा नहीं दे। मैं आपको बता दूं, जो अनुच्छेद 35A है, 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे उस समय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने एक आदेश पारित किया था और इससे आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया था। और इस अनुच्छेद के तहत बाहर का कोई भी नागरिक, किसी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में वहां का स्थायी नागरिक नहीं बन सकता है, ना ही जमीन खरीद सकता है वहां पर। और अगर इस अनुच्छेद को हटाए जाने की जब ये बात अब हो रही है और एक याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पूरे मामले में जब सुनवाई हो रही है, तो अब ये जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो वहां के हुर्रियत के लोग हैं, जो अलगाववाद के लोग हैं, उन लोगों की पूरी बात हजम नहीं हो रही है, इसी वजह से पूरा विरोध प्रदर्शन वहां पर चल रहा है। जी इंद्रसेन, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रसेन यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि